नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। रांची का एक गांव जहां रहता है 25 घर मुंडा परिवार, पर नहीं है किसी के पास खतियान, नहीं बन रहा आदिवासी परिवार के लोगों का जाति और आवासीय प्रमाण पत्र, गांव में नहीं मिलती किसी को वृद्धा और विधवा पेंशन। बगल का एक और गांव जहां 70 परिवार में सिर्फ एक को सरकारी नौकरी, गांव के किसी बच्चे का कस्तूरबा, एकलव्य या अन्य आवासीय विद्यालय में एडमिशन नहीं। कस्तूरबा में एडमिशन के लिए दलाल ने ठग लिए 15,000 रुपए, नहीं निकला सूची में नाम। आबादी लगभग 350, सिर्फ एक बच्चा संजय मुंडा है बीए पास। गांव में है एक प्राइमरी स्कूल, जाते हैं 30 बच्चे, खिचड़ी खाकर लौट आते हैं। शिक्षा विभाग का कोई अफसर आज तक नहीं पहुंचा गांव। हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है 20 किलोमीटर दूर, वो भी साइकिल से। बीए की पढ़ाई के लिए आना पड़ेगा बुंडू वाया तमार, 40 किलोमीटर दूर। सुबह और शाम सिर्फ एक बस चलती है, किराया लगता है एक तरफ से 40 रुपए, टेम्पो से आए तो चुकाना होगा एक तरफ से 100 रुपए। शाम को लौट पाएंगे कि नहीं पता नहीं। विधायक बनने से पहले सिर्फ एक बार आए थे विकास सिंह मुंडा, उसके बाद दर्शन नहीं हुए। गांव के लोगों ने नहीं देखा है सांसद अर्जुन मुंडा का चेहरा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जब राज्यसभा सांसद बने थे तो सांसद फंड से बनाई थी सड़क, उसके बाद मरम्मत नहीं, हो गई है जर्जर। बरसात के दिनों में अपने घरों में कैद हो जाते हैं ग्रामवासी, नहीं है कोई सुध लेने वाला। शाम 6 बजे के बाद गांव का कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता। हाथी कब अपनी सूंड में लपेट लेगा कहां नहीं जा सकता। हाथी के डर से गांव वाले नहीं लगा रहे मकई, अरहर और आलू की फसल, सिर्फ धान की फसल बोते हैं। वो घर में आएगा कि नहीं ये हाथियों की दया पर निर्भर है। डर से रात में नींद नहीं आती, हाथी ढा देता है घर। महंगी महंगी गाड़ियों में आते हैं वन विभाग के अफसर, मुआवजा मिलता है सिर्फ 1800 रुपए। बिजली के खंभे तो हैं लेकिन वो आएगी कब पता नहीं। हर समय अंधेरा का बसेरा, नहीं है कोई स्वास्थ्य केंद्र। इलाज के लिए जाना पड़ता है ओझा गुनी के पास। झोला छाप डॉक्टर कर रहे हैं गांव वालों का शोषण, चाकू छुरी से करते हैं ऑपरेशन। आज तक गांव में सहिया और आंगनबाड़ी सेविकाओं के दर्शन तक नहीं हुए। गांव की महिलाएं करवाती हैं प्रसव, तड़प तड़प कर बच्चा जनना, महिलाओं की बन गई है नियति। गांव के लोगों को नहीं पता सरकार उनके कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं चला रही हैं। परिवार में 5 से 6 सदस्य लेकिन सरकारी राशन मिलता है सिर्फ 1 सदस्य को। ये किसी फिल्म की पटकथा नहीं, ये कहानी है रांची जिला के तमाड़ प्रखंड के गांव गोमिया कोचा और कुचरू डीह की, जहां के लोगों की जिंदगी अभिशाप बनकर रह गई है। ये गांव तमाड़ प्रखंड का अंतिम गांव है, पहाड़ की तलहटी से सटा हुआ, उसके बाद ईचागढ़ की सीमा शुरू होती है। कहानी गोमिया कोचा की। सोमवार की दोपहर ये संवाददाता तमाड़ से 22 किलोमीटर दूर पहाड़ की तलहटी के पास बसे गोमिया कोचा गांव में था, जो झारखंड में सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों से पूरी तरह अनभिज्ञ है। गांव के लगभग 250 लोग ग्राम प्रधान योदू गोपाल सिंह मुंडा के बुलावे पर इमली के पेड़ के पास जमा हुए थे। बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान और छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जमीन पर बैठे थे। वे आजाद सिपाही की टीम को टुकुर टुकुर निहार रहे थे। वे इस विश्वास के साथ आए थे कि कोई आया है शायद उनकी समस्याओं को जानने। उपस्थित हर गांववासी समस्याओं के मकड़ जाल में उलझा हुआ। बातचीत की शुरुआत करने से पहले ग्राम प्रधान का ये आग्रह कि परंपरा के अनुसार आप लोगों को अपना पांव पखरवाना पड़ेगा। यहां ना कि कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी।
क्योंकि परंपरा के अनुसार ग्राम प्रधान यदुगोपाल सिंह मुंडा ने हमें अपना आदेश पहले ही सुना दिया था। दो बहनें फूल की थाली और लोटा लिए आती हैं और पांव पखारती हैं, फिर तौलिया से पांव पोछती हैं, उसके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। उनकी मेहमान नवाजी देखकर मन द्रवित हो जाता है। ग्राम प्रधान यदुगोपाल सिंह मुंडा अपनी भाषा में गांव वालों को बताते हैं कि ये अखबार वाले हैं, आपकी समस्या जानने के लिए यहाँ आए हैं, एक एक कर आप लोग अपनी बात रखिए। सबसे पहले कि बुजुर्ग माता खड़ा होने की कोशिश करती हैं, हम उन्हें बैठे रहने को ही कहते हैं लेकिन वो नहीं मानती, जिद कर जाती हैं। डंडे के सहारे वह उठने की कोशिश करती हैं, एक व्यक्ति उन्हें सहारा देता है तब वो किसी तरह खड़ी हो पाती हैं। बोलते समय उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, वो टूटे फूटे शब्दों में किसी तरह कह पाती हैं कि उन्हें पेंशन नहीं मिलती, बीमार हैं, इलाज नहीं करा पा रही क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। उनके शरीर पर झिझरी साड़ी उनकी आर्थिक विपन्नता की कहानी कह रही है। आंखों में आंसू हमें अंदर तक झकझोर देते हैं। इसके बाद शुरू हुई कोमिया कोचा के ग्रामीणों की आवाक कर देने वाली दास्तां। इस गांव में 30 परिवार हैं, 25 परिवार मुंडा जाति के और 5 परिवार महतो जाति के। इस गांव के किसी परिवार के पास खतियान नहीं है, खतियान नहीं होने के कारण इनके समक्ष समस्याओं का अंबार खड़ा हो गया है। अगर ये कहें कि यहाँ समस्याओं ने अपना स्थायी बसेरा बना लिया है तो अतिशोक्ति नहीं होगी। गांव वालों का जाति और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। सच कहा जाए तो सरकार गठन के 22 साल बाद भी उन्हें ये तक नहीं पता कि राज्य सरकार उनके हित में क्या क्या योजनाएं चला रही हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, आयुष्मान योजना, कुपोषण से मुक्ति के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के नाम तक वो नहीं जानते। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके बच्चों का एडमिशन कस्तूरबा गांधी, एकलव्य या सरकारी आवासीय स्कूलों में कैसे होगा। बीए की पढ़ाई करने के लिए उन्हें 40 किलोमीटर दूर बुंडू वाया तमाड़ जाकर क्या क्या औपचारिकताएं निभानी पड़ेंगी। हालांकि सबके पास आधार कार्ड है लेकिन उन्हें लाल, पीला और हरा कार्ड में अंतर नहीं मालूम। राशन कार्ड में नाम की गलती कैसे ठीक होगी वे ये भी नहीं जानते, लिहाजा डीलर कार्ड में नुक्स निकालकर उन्हें राशन से वंचित कर देता है। जिनके कार्ड दुरुस्त हैं उन्हें राशन लेने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जाहिर है पैसे के अभाव में वे पैदल जाते हैं। दिन बीत जाता है आते जाते, हाफते हाफते शाम ढलने पर वे राशन लेकर लौटते हैं। परिवार में 4 से 5 सदस्य हैं, राशन मिलता है 1 सदस्य को, वो भी वजन में आधा अधूरा। 70 साल पहले यहाँ बसने आए थे। गोमिया कोचा में ये परिवार लगभग 70 साल से रह रहा है। ग्राम प्रधान यदुगोपाल सिंह मुंडा के पिता युगल सिंह मुंडा और चाचा सनातन सिंह मुंडा ने तमाड़, बुंडू और आसपास के लोगों को बुलाकर यहाँ बसाया था। सबसे पहले गोमिया मुंडा यहाँ आए थे, उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम पड़ा गोमिया कोचा। उसके बाद कड़िया मुंडा, पासो मुंडा, डोलगा मुंडा, हिंदू मुंडा, सोमा मुंडा, जादे मुंडा, युगल महतो, मलिन महतो, चंदा मुंडा, बिरगा मुंडा, सुकरा मुंडा, दुबराज मुंडा, लर मुंडा, चबरा मुंडा, महादेव मुंडा, लखींदास मुंडा, लूसा मुंडा, कुंजाल मुंडा सहित कुल 30 परिवार यहाँ बस गए, अपना आशियाना भी बना लिया। पहाड़ की तलहटी और प्रकृति की गोद में वे अपना गुजर बसर भी करने लगे। खुंडकटी क्षेत्र होने के कारण युगल सिंह मुंडा ने उन्हें सादा पट्टा देकर बसाया था। मुंडा रसीद उन्हें दी गई, आज भी उन्हें वो रसीद मिलती है, यही प्रमाण पत्र है उनके निवासी होने का। लेकिन इस प्रमाण का सरकारी अधिकारियों की नज़र में कोई मोल नहीं, लिहाजा आज भी वे सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। हाँ, 2-4 लोगों को कुरुचुडीह में पीएम आवास का लाभ ज़रूर मिला है। इस गांव की शायद ही कोई बच्ची हाई स्कूल का मुंह देख पाई हो, ढूंढने से भी नहीं मिली। इंटर में पढ़ने वाला भी कोई नहीं मिला। यहाँ के युवा सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं,
लेकिन जाति और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण वो देश सेवा नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस में भी भर्ती होना चाहते हैं ये लोग, लेकिन बगैर प्रमाण पत्र के ये कैसे संभव होगा। गांव वालों को ये भी नहीं पता कि खतियान नहीं होने के बाद भी ग्राम प्रधान के लिखने पर उनका जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बन सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियान विहीन लोगों के लिए ये आदेश दिया है कि जिनके पास खतियान नहीं है उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं, मुखिया ग्राम प्रधान की अनुशंसा पर उनका जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बन जाएगा। लेकिन इस आदेश का प्रसार नहीं होने के कारण ग्रामीण इस लाभ से पूरी तरह वंचित हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि किसी तरह मार भात खाकर वे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। गांव के कुछ लोग अपने खेतों में ओल, अरोई और कुछ हरी सब्जी की खेती करते हैं, यही आसरा है उनके जीने का। अरहर की दाल कब खाए इन्हें याद नहीं, कारण हाथियों के डर से इन्होंने मकई, अरहर और आलू की फसल लगाना छोड़ दिया है। माड़ भात से उन्हें कितना पौष्टिक मिल पाता होगा ये उनकी दुबली पतली काया देखकर समझा जा सकता है। उनके तन को ढकने के लिए उनके पास साबुत कपड़े तक नहीं हैं, पैर हैं लेकिन उसमें ताकत नहीं, डंडे के सहारे वे किसी तरह चल रहे हैं, हाथ है लेकिन मुश्किल से ऊपर उठ पाते हैं, आंखों की रोशनी जवाब दे गई है, कंठ से आवाज निकलते वक्त बहरा जाती है। इनमें से कईयों ने तो आज तक शहर का मुंह तक नहीं देखा है, बस की सवारी नहीं की है, कुछ ने जमीन बेचकर मोटरसाइकिल तो ले ली लेकिन पेट्रोल के अभाव में वे सवारी नहीं कर पाते। लिहाजा डगमगाते पैरों से जरूरत की चीजों को लेने के लिए वे जैसे तैसे 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर जाते हैं और आते हैं। लौटने पर उनकी सांसें फूलने लगती हैं, कई बार वे पगडंडी पर ढिमला भी जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। दवा दारू के नाम पर वे इमली के पत्तों को उबालकर हाथ पैर सेकते हैं, पत्ते को कपड़े के सहारे बांधकर अपना दर्द कम करने का उपक्रम करते हैं। झोला छाप डॉक्टर के पास जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं, कभी कभी ओझा गुनिया कर झाड़ फूंक करते हैं, वो भी मुर्गा और दारू लेने के बाद। इनकी जीवन की सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती। कुरचुडीह से इस गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। कुरचुडीह तक टूटी फूटी सड़क है, इसे डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने सांसद फंड से बनवाई थी जब वो राज्यसभा के सांसद बने थे। आज वो भी पूरी तरह टूट फूट गई है। गांव के प्रधान यदुगोपाल सिंह मुंडा कहते हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा की पहल पर गांव में उस समय आईएएस अधिकारी के सोन और एसके चौधरी आए थे, उन्होंने ही पहल कर सड़क बनवाई। कुरचुडीह से कोमिया कोचा जाने के लिए पगडंडी ही एकमात्र सहारा है, बीच में एक बड़ा तालाब है, गार्डवॉल नहीं होने के कारण बरसात में उसका पानी उफान लेने लगता है, लिहाजा पगडंडी भी कीचड़ से सन जाती है और उसमें 1 फुट नीचे तक पैर दबने लगता है, लिहाजा बरसात के दिनों में कोमिया कोचा टापू बन जाता है और वहाँ के लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। वे चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते और ना बाहर के लोग उनका दुख दर्द बांटने जा पाते हैं। यदुगोपाल सिंह मुंडा कहते हैं, अगर तालाब के चारों तरफ गार्डवॉल बन जाए तो गोमिया कोचा के लोगों को नरकीय जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। गांव वाले श्रमदान करने को भी तैयार हैं, लेकिन विडंबना यह है कि यहाँ कोई अधिकारी आता ही नहीं। बहुत पहले BDO साहब वहां गए थे PM आवास का मुआयना करने, उनके अतिरिक्त और किसी अधिकारी के दर्शन आज तक नहीं हुए। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के एक गांव की सच्चाई ये है कि वहां के लोगों ने आज तक कड़िया मुंडा को भी नहीं देखा है, जो कई बार उस क्षेत्र के सांसद थे। लोगों ने उन्हें वोट भी दिया था, उसके बाद उस क्षेत्र का नेतृत्व सांसद के रूप में अर्जुन मुंडा के हाथों आया। यदुगोपाल सिंह मुंडा कहते हैं कि आज तक गांव के लोगों ने अर्जुन मुंडा का चेहरा तक नहीं देखा है। हाँ, यहाँ विकास सिंह मुंडा एक बार जरूर आए थे, उस समय वो विधायक नहीं थे।
उसके बाद आज तक यहाँ के लोग उनके दर्शन को तरस गए हैं। अधिकारियों की तो छोड़ दीजिए, गांव में सहिया और आंगनबाड़ी सहायिका तक नहीं जाती। अब बात कुरचोटीह की। आबादी लगभग 350 के आसपास। गांव के प्रधान हैं यदुगोपाल सिंह मुंडा। मुख्य पेशा धान की खेती। यहां तक जाने के लिए पक्की सड़क के नाम पर एक टूटी फूटी सड़क है। 2015 के आसपास वो बनी थी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने उसे बनवाया था। उसके बाद एक बार भी उसकी मरम्मत नहीं हुई, लिहाजा वो पगडंडी का स्वरूप ले चुकी है। तमाड़ से कुरचोटीह की दूरी है तो मात्र 22 किलोमीटर, लेकिन हिचकोले खाते हुए यहाँ 1.5 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। जहाँ तक सरकारी योजनाओं की लाभ की बात है तो इसकी भी वही कहानी है जो गोमिया कोचा की है। हाँ, विकास के नाम पर यहाँ 2-4 PM आवास जरूर बनाए गए हैं। बिजली के खंभे और तार भी झूलते नजर आएंगे, लेकिन बिजली के दर्शन कब होंगे कहा नहीं जा सकता। इस गांव में एक उत्क्रमित विद्यालय है जहां 20 बच्चे टाट लेकर पढ़ने जाते हैं। पढ़ाई क्या होती है ये तो बच्चों को भी नहीं पता। हाँ, उन्हें खिचड़ी जरूर मिलती है, कभी भात भी पीले रंग की दालनुमा पानी के साथ। रजिस्टर में 3 मास्टर साहब हैं, लेकिन एक साथ तीनों के दर्शन कम ही होते हैं। हाँ, रजिस्टर में हाजिरी जरूर होती होगी। यहाँ के बच्चे चाहकर भी हाई स्कूल में नामांकन नहीं करा पाते, कारण पढ़ने के लिए उन्हें लगभग 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। पैदल वे कैसे जाएंगे जबकि टेम्पो में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, और पैसे के अभाव में उनके पास साइकिल भी नहीं है। इसका खामियाजा ये है कि यहाँ का सिर्फ एक बच्चा संजय मुंडा BA पास है। उसने भी शहर जाकर पढ़ाई की। नौकरी के नाम पर 350 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति सरकारी शिक्षक है, उसका नाम है मंगल मुंडा। बाकी लोग मौसम के भरोसे धान की खेती करते हैं। धान तो घर में आता है, लेकिन कभी कभी हाथी उसे भी चट कर जाते हैं। गोमिया कोचा की तरह कुरचोटीह के ग्रामीण भी हाथी के डर से आलू, मकई और अरहर की खेती नहीं करते। आज भी गांव के लोगों को रात जगा कर पहरा देना पड़ता है हाथी भगाने के लिए। हाथी आने की सूचना पर गांव वाले एकत्र हो जाते हैं, लकड़ी जलाकर वे हाथी को डराने की कोशिश करते हैं। आलू बम भी रखा है गांव वालों ने हाथी को भगाने के लिए। फिर भी कभी कभी हाथी आ ही जाते हैं और गरीबों के आशियाने ढाह देते हैं। उसके बाद आंसू पोंछने के लिए वन विभाग के अधिकारी आते हैं। महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर 2-4 बार आने जाने में वे पेट्रोल डीजल में 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन पीड़ित को मिलता है सिर्फ 1800 रुपये। इतने में कैसे आशियाना खड़ा होगा ये वन विभाग के अधिकारी ही समझें। केंद्र और राज्य सरकार ने गरीबों के बच्चों की पढ़ाई के लिए कस्तूरबा गांधी एकलव्य और अन्य आवासीय विद्यालय खोल रखे हैं। गांव वालों को उम्मीद थी कि उनके बच्चे भी वहां फ्री में पढ़ेंगे और साहब अफसर बनेंगे, लेकिन आज तक यहां के किसी बच्चे का इन स्कूलों में एडमिशन नहीं हुआ। कुछ के परिवार वालों ने कुछ पैसे जुटाकर फॉर्म भरवाया, दलाल भी गांव में आया। कुछ लोगों से उसने एडमिशन कराने के नाम पर 15-15 हज़ार रुपए भी लिए, लेकिन किसी बच्चे का नाम लिस्ट में नहीं आया। लिहाजा कस्तूरबा गांधी स्कूल में पढ़ने का इनका सपना आज भी धरा का धरा रह गया है। उन्हें ये भी नहीं पता कि वे अपनी फरियाद किसके पास लेकर जाएं। यहाँ कोई नेता भी तो नहीं आता। गाँव वाले शहर जाकर नेताओं तक अपनी फरियाद इसलिए नहीं सुना पाते कि उनके पास बस के पैसे नहीं हैं। पैसे तो इलाज कराने के लिए भी नहीं हैं उनके पास। बीमार होने पर वे भगवान और ओझा गुनी के आसरे जिंदगी काट देते हैं। कुरचोटीह और गोमिया कोचा में लगभग 3 दर्जन बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर और 80 साल के आसपास है। लगभग 1 दर्जन के आसपास विधवाएं हैं। इनमें से किसी को भी पेंशन का लाभ नहीं मिलता।
इन्हें ये भी नहीं पता कि पेंशन का कार्ड कैसे बनेगा। पैसे के अभाव में वे शहर जाते नहीं और अधिकारी चलकर उनके पास आते नहीं। लिहाजा आधार कार्ड लेकर हर दिन बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं अधिकारियों के आने के आसरे में दिन काट देते हैं। चलते चलते इमली के पेड़ के पास गांव वालों ने खिचड़ी की व्यवस्था की थी। हर घर से 1 किलो चावल और बाजार से 10 किलो दाल की व्यवस्था की गई थी। खिचड़ी खाकर जाने का आग्रह हम अस्वीकार नहीं कर पाए। हमने आग्रह को तो स्वीकार किया, लेकिन एक एक कौर बहुत मुश्किल से कंठ से नीचे जा पाया। सोचता रहा, पता नहीं इनके हिस्से सुख के दिन कब आएंगे, इनके दिन कब बहुरेंगे, इन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ कब मिलेगा। काश सरकार की नज़र एक बार इन गांव वालों पर पड़ती तो शायद इनका भला हो जाता। फिर भी उम्मीद हमें है, भगवान ने इन्हें जन्म दिया है तो निवाला भी देगा। सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। सरकारी अधिकारी अपने चैम्बरों से निकलकर इनका हालचाल लेने जरूर आएंगे। अभी बस इतना ही, क्योंकि इनकी हालत देखकर मन भर आया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।